वही चखना खाते हो गए, वही पीते हो गए, तो ये हाल हो गया। मार पड़ा था, मार लगा तब मालूम चला, मतलब अभी मार नहीं पड़ता। चलो अच्छा, मतलब प्यार, मतलब काउंसलिंग बोलो यार तुम। मार तो दिमागी मार की बात कर, मानसिक मार की बात कर रहे हैं, पकड़ा गया तो खराब लगा है ना। मार पड़ तब गलती का एहसास। चलो ठीक है, एहसास हुआ। इसको क्यों पका दिए, ये क्या किया था? क्यों घर से मतलब छुप लेते सर? अरे भाई, इसके घर में रखे थे तो। डोंट मेक टेक यू अप। कहाँ से लिया वो शर्ट भाई? ये भी चोरी का ही है। मैंने किया, मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। कंपनी में जॉब करते हैं तो ये क्या तुमको पुलिस वालों को अपना आया तुम्हें ले सीसीटीवी में क्या? सर हाँ, इसका दोस्त हो ये, मेन मास्टर। आ जा बेटा, आ जा। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। अरे बिहार में कहाँ पे हो? हाजीपुर पटना, उस पर जो है। हाँ समझ गया, तो बिहार का नाम कुछ रोशन करो यार, तुम छुपाए जा रहे हो। बताओ, बेचने वाला भी बिहारी, पकड़ने वाला भी बिहारी, कैसे करते हो? घर को चकना सेंटर भी बना लिया था, दो फ्लोर। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज की दो खबरें हैं और दोनों बड़ी खबरें हैं, दोनों खबरें क्राइम से जुड़ी हुई हैं। पहली खबर जो एक शराब तस्कर को लेकर के है, जिसमें सुपेला के एक रहवासी, एक शख्स जो पिछले कई वर्षों से शराब की तस्करी करता था, जिसने अपने घर में ही एक तहखाना बना के रखा था, एक बंकर बना के रखा था, किराना दुकान की आड़ में ये सारे काम किया करता था, और उस तहखाने से 57 बोरी शराब बरामद किए गए हैं, जिसकी वीडियो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और अभी भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो 57 बोरी शराब जो है उस तहखाने से निकाले गए, और उसके बाद उस आरोपी को पकड़ा गया। उसके बाद उस आरोपी ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। इसी के साथ एक और खबर, जो वैशाली नगर में आज से एक महीने पहले एक चोरी हुई थी, जिसको लेकर के पुलिस जो है पता तलाश कर रही थी, और हाल फिलहाल में आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी जो एक शख्स जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल और पिछले एक साल से दो चोरियों को अंजाम दे चुका था, दूसरी चोरी में पकड़ा गया। दो शख्स इसमें सामने आए हैं, जिसमें स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे डॉक्टर अभिषेक पल्लव पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल ये दोनों शख्स रिश्ते में जीजा और साले हैं। तो क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, इन दोनों खबरों को मर्ज करके आज आपको दिखाते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। रात में ये लोग घूमते थे, रेकी करते थे और सुने मकान में चोरी कर लिया करते थे। दो मामलों में इसने अपनी संलिप्तता जो है बताई है। दोनों में जो कुछ सामान जो है वो पकड़ा गया है, करीब 10 लाख का सोना चांदी का सामान जो है वो जब्त किया गया है। देख के लग रहा है, कैन डोंट मेक टेक यू अप। कहाँ से लिया वो शर्ट भाई? ये भी चोरी का ही है। कपड़ा तो कम से कम अपना रखा। कौन दिया? दूसरे का भाई का। भाई का पहन रहे हो? ये चोरी का कब से कर रहे हो? सर चोरी मैंने किया, मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। कंपनी में जॉब करते हो तो ये क्या तुमको पुलिस वालों को अपना आया तुम्हें ले सीसीटीवी में क्या? सर हाँ, इसका दोस्त हो ये, मेन मास्टर। आ जा बेटा, आ जा, तुम इसको ले डूबे हो। 16 ये फटे फुटे जितने जींस वाले हैं ना, ऐसे ही हैं सर। कब से कर रहे हो बेटा? उम्र कितनी है तुम्हारी? 19 साल के, अभी बालिग नहीं हुए कि चोरी में लग गए? ऐसा 18 साल वोट डालने का लोग इंतजार करते हैं ना चुनाव का, 18 साल में तो चोरी का इंतजार किया हुआ था, 18 साल हो गया चोरी शुरू कर दूंगा, ऐसा क्या? कब से कर रहे हो चोरी? करीबन हो गए साल पर। वही तो 18 हुए, शुरू हो गए। पढ़ाई कहाँ तक की हो? 8वीं तक। क्या काम करते थे उसके बाद? ड्राइवर हूँ सर, गाड़ी चलाता। अरे यार, बहुत ड्राइवर चोरी में घुस गए। ड्राइविंग में मंदी चल रहा है क्या? जितने ड्राइवर हैं वो सब इधर घुस रहे हैं। बताओ कौन सी गाड़ी चलाते थे? पिकअप। पिकअप चलाते थे? पिकअप अपना था, मालिक का था? दूसरे का भी मंडी में चलाया, सुपेला मंडी। सुपेला मंडी कितना मिलता था पिकअप चलाने में डेली? 300 रुपए, 350 रुपए। 300 तो कम, ठीक है यार, 10-11 हजार रुपए आते हैं। बाहर जाता था? हाँ बाहर बाहर जाता। तो बाहर नहीं जाना है, घर में रह के काम करना है। चोरिया काम शुरू कर दोगे? नहीं सर, लालच आ गया।
लालच आ गया था। किसने तुम्हें तरकीब बताई कि चोरी शुरू करना चाहिए? किसी दोस्त यार चक्कर में। दोस्त यार कौन? दोस्त कौन यार? मोहल्ले में रहते हैं, जिस मोहल्ले में सब मतलब चोरी चकाए मेरे घूमना फिरने सब करते हैं, तो वो प्रहलाद के चक्कर में। वो लोग बताए होंगे कि कहाँ ये 300 रुपए में हो, एक बार में लाख डेढ़ लाख मार लो, 10 लाख मार लो, बहकावे में आ गए। बहकावे में आ गए तो कैसे चोरी को अंजाम दिए बताओ जरा यार। मतलब बंद घर था सर, उसी में घुस गया था सर, गेट खोल के अंदर। गेट कैसे खोले? पाइप से सर। खिड़की था, मतलब लॉक लगा था ऐसे, वो लॉक कैसे घुमाया दो बार तो खुल गया। खोले फिर क्या किया? अंदर जाकर मतलब देखा कि मतलब पैसा वैसा था जो भी था, ये सोना चाहते सो लेके आ गए। तो एक घटना में फिर दोबारा किया? दूसरी घटना में तो अंजाम दिए हो? हाँ, वो पहले का था सर, दूसरी जगह का था। तो वो कब किए थे? उसको एक महीने पहले। उसको एक महीने पहले किए थे, मतलब पहला किए फिर दूसरा और भी किए क्या? नहीं, तो पहला किए उसको ही बेचे नहीं, दूसरा पहला वाला पहले क्या क्या चोरी किए पहले वाले में? वो चांदी के था सर। चांदी का था, बेचे नहीं क्या उसको? नहीं, क्यों? नहीं नहीं, कोई पहचान नहीं है सर मेरा। पहचान नहीं है तो कुछ कोशिश तो कर रहे होगे बेचने का? नहीं। अरे लालच के मारे तुम चोरी किए हो, सामान को बेच नहीं रहे हो, तो करना क्या था? घर पे रखा था सर, मैं थोड़ा टाइम हो करके बेचूंगा ऐसे करके। हाँ, दाम वाम बढ़ेगा तो, क्योंकि तो शेयर मार्केट की तरह काम करने लग गए हो, घर में रखे हो, दाम बढ़ेगा तो बेचोगे। और कैमरा वैमरा क्यों छुड़ा दिए? ऐसी से फोटो खींचना। फोटो खींचे क्या कुछ? फोटो चलाने भी नहीं। अरे जब नहीं आता सर, चलाना नहीं आता। तुम तो शौकिया चोर लग रहे हो यार, तुम लालच की बात कर रहे हो। इतना चोरी कर लिए तुम, तुम्हें लगा नहीं चोरी करने के बाद गड़बड़ काम है ये? मार पड़ा था, मार लगा तब मालूम चला, मतलब अभी मार नहीं पड़ता। चलो अच्छा, मतलब प्यार, मतलब काउंसलिंग बोलो यार तुम। वो दिमागी मार की बात कर, मानसिक मार की बात कर रहे हैं। पकड़ा गया तो खराब लगा है ना, मार पड़े तब गलती का। चलो ठीक है, एहसास हुआ। आगे क्या खोज रहे हो? काम वाम करूंगा सर। कौन सा काम? तो कभी करते हो ड्राइविंग का? गाड़ी चलाऊंगा सर, और कुछ भले और पर चलेगा, लेकिन गाड़ी। और इसको क्यों पिटा दिए? ये क्या किया था? के घर से मतलब निकला थे सर। अरे भाई, इसके घर में रखे थे तो जरा बेटा। सुने के शाम मैं जॉब पे गया था सर, सुबह से। अरे एक महीने पहले चोरी हुआ है, एक महीने सामान पड़ा हुआ है। नहीं सर, जिस दिन बरामद हुआ ना उसी दिन भेजे शाम को। मैं तो सुबह से 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही गया था ड्यूटी। घर की चाबी दे दिए, घर में मिल गया। चलो, तो मेरी मिसेस थी वो रखी थी सर। मिसेस को फंसाना चाहते हो क्या? ऐसा पहला पति देखा है मैंने। अपनी पत्नी को फंसाने में लगे हुए हो तुम। पता नहीं कि ये सामान है करके। तुम्हारे कोई दूसरी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या? हाँ नहीं सर, जो पत्नी को फंसाए जा रहे हो। मुझे पता नहीं था सर। हाँ, मुझे पता नहीं था कि मेरे घर में क्या क्या। जरूरी सोना चांदी तुम्हारी पत्नी दबाने के चक्कर में होगी। अरे भैया नजर रखो अपनी पत्नी पे, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है, तुम ये काम करते हो होम डिलीवरी का काम और बगल में आउटरीच का काम, ये ठीक काम है गलत काम है? गलत काम है। क्यों? और तुम्हारे ग्राहक कौन है? रात में साहब निकलते हैं ना, ये जैसे होटल वाले तो मतलब जैसे 10 बजे भट्टी बंद हो जाता है, उसके बाद मेरा काम चालू होता है। ओहो, तुम मतलब लेट नाइट डिलीवरी करते हो सुबह और शाम, मतलब कान तकलीफ होते, तकलीफ दूर कराने का काम डॉक्टरी काम कर रहे हो तुम। आबकारी वाले नहीं आते थे कभी पकड़ने? कभी आबकारी वाले छापा वापा नहीं मारे तुम्हारे यहाँ? मारे हैं, मारे हैं। दो तीन साल पहले। उसके बाद से प्यार हो गया क्या? उसके बाद से नहीं आए कभी? एक साल पहले 34-2 जो हुआ है बता रहे, वो कौन किया था? थाना वाले खान साहब थे। खान साहब जी, अब्दुल खान जी। उसके बाद नहीं सुधरे? पहले किसके साथ कर रहे थे? ये किसी के साथ पार्टनरशिप में? और कौन कौन है वहाँ पे तुम्हारी तरह तस्करी? तुम हो गए जी, और कौन है? फौजदारी है साहब, फौजदारी है, जगनारायण है, जगनारायण है, पूजन है, पूजन है, उसको देखो डगरा डगरा करके डगरा है, और एक जवाही चौहान है, जवाही चौहान है, और इसमें सबसे बड़ा तस्कर कौन है? अथी पहले था साहब जो है ना, क्या बोलते हैं? तो ये सब कितना बेचते होंगे डेली?
ये नाम बना रहे हो उन छह सात लोग जी, ये लोग कितना पेटी बेच देते होंगे महीने में? डेढ़ पेटी दो पेटी डेली, एक डेढ़ पेटी दो पेटी बेच देते हैं, दो दो पेटी, ये चार पेटी खुद बेचता है तो ठीक है, चार बेचता दो दो बेचते हैं, कोई बात नहीं। चकना सेंटर आठ तस्कर है डेली दो दो तीन तीन पेटी बेचते हैं, 24 पेटी तो बेच देते हैं सब मिल के। और ग्राहकों को पता है कैसे चलता है कि यहाँ पे मिलेगा? ड्यूटी से छूटते हैं सर, और पुराने कस्टमर है जी, लॉयल कस्टमर, घर के पीछे गोडाउन बनाने का आइडिया। वो बहुत अच्छा था यार, जो अंदर वो गुफा टाइप का जो बनाए थे, वो कब से बना हुआ है? पाँच छह साल से बना हुआ है। बाहर कबर्ड था, उसका वीडियो भी डालना यार, बहुत अच्छा कबर्ड था सर, उसको निकाले तो उसके पीछे निकला हुआ सारा। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार में। कहाँ से हो? हाजीपुर, उस पर जो है। तो बिहार का नाम कुछ रोशन करो यार, तुम छुपाए जा रहे हो। बताओ, बेचने वाला भी बिहारी, पकड़ने वाला भी बिहारी, कैसे करते हो? घर को चकना सेंटर भी बना लिया था, दो फ्लोर। आगे से कुछ सुधरने का सोच है? सब यहाँ छोटे से गांव ही चल जाऊँ, आगे पीछे कोई है नहीं। हाँ। आगे पीछे अकेले हूँ भाई, में लड़का भी एक ही है। लेकिन मुझे देख के ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा? दो बार 34-2 में गए हो, 15 बार में काम कर रहे हो, मेरी काउंसलिंग का ये क्या असर आप में? दो साल के बाद आपको अच्छे लोग से मिलने से अच्छा ये ऐसा होता है क्या जी? छोड़ना है लेकिन, ठीक है, अगली बार ऐसे मिलना नहीं है, ठीक है। वो पूरा अपना तिजोरी उजोरी है ना, बंद कर दो उसको, जो पूरा जो बेसमेंट बनाए हो, ठीक है, गुफा उफा को बंद करो, और अंतिम बार है इसके बाद से नहीं करना है, ठीक है। वैसे ही तो फिंगरप्रिंट ले लिया हमने, हाँ, और वजन भी बहुत ज्यादा है तुम्हारा यार, ब्लड प्रेशर शुगर दोनों है ना, शुगर में भी दोनों हो गया ही यार। तुम तो एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, पूरे टाइम केवल चखना और इसी में लगे रहते हो। वही चखना खाते हो गए, वही पीते हो गए, तो ये हाल हो गया। बंद करना है, ठीक है, अगली बार मौका नहीं मिलना चाहिए। चले, पहला थाना क्षेत्र में एक तस्कर के घर से 57 बोरी जो है शराब पकड़ाया है, देसी शराब और लहसी शराब मिला के, जिसकी बाजारी कीमत 1,70,000 रुपये है। ये तस्कर 15 वर्षों से तस्करी कर रहा था, 2 बार 34-2 की कार्रवाई और 5 बार 34-1 की कार्रवाई इसके खिलाफ हो रखी है। जिला के हमने जो गुंडा बदमाश की सूची का फिंगरप्रिंट लिया है, इसका फिंगरप्रिंट भी 20 दिन पहले लिया गया था। जो बड़ी खेप जो ट्रक की पकड़ाई थी 550 पेटी की, उसके बाद सारे तस्करों पे हमारी नज़र थी। इसके कॉल रिकॉर्ड्स के अध्ययन करने के बाद और लोकल आसूचना के बाद और फिंगरप्रिंट मैचिंग के बाद तकनीकी आधार पे तकनीकी विवेचना करके इसको पकड़ा गया है। इसके घर में एक तहखाना टाइप का बना हुआ था, ये किराना दुकान की आड़ में पिछले 15 वर्षों से लगातार कुचिया का काम और तस्करी का काम कर रहा था। इसके पास से 3-4 बड़े तस्कर के नाम और सामने आए हैं। इसके पास से जो दुकान है, सरकारी दुकान, उसमें भी कुछ लोगों की संलिप्तता की बात सामने आई है। उसमें एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में लिया भी गया है। लगातार दुर्ग पुलिस जो है शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी कोचिया तस्कर इस काम में लगे हैं, तुरंत अपने काम को बंद कर दें, अन्यथा दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ने पर गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।